नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट बेसन प्याज के करेले की रेसिपी। इस तरह से बने करेले कड़वे तो कम लगेंगे पर सबको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने ले लिए करेले। मैंने आधा किलो के करीब करेले लिए हैं और इनको पहले तो बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको हमने छीलना है। देखिए, इसकी जो मोटी मोटी स्किन है ना, इसी को हमने छीलेंगे। पहले हम थोड़ी थोड़ी सी साइडें काट देंगे और हल्का हल्का ही छीलेंगे, क्योंकि जो ये मोटी वाली स्किन होती है ये बहुत ही कड़वी होती है, इसी को हटाना है। देखिए, सारे करेले को हमने छील कर तैयार कर लिया। अब करेलों को काटना कैसे है, मैं पहले इसके बीच में से दो भाग कर रही हूँ। ये देखिए, कभी कभी ना करेलों में पके हुए बीज निकल आते हैं, इसको हम हटा देंगे। ऐसे एक करेले में मैं चार भाग करूंगी और पके बीजों को हटाती जाऊंगी। देखिए, सभी करेलों को हमने काट लिया। अगर आप बिल्कुल भी बीज नहीं पसंद करना चाहते तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बीजों समेत ही बना रही हूँ। अब मैंने ले लिया नमक, मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, वो इस पर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। अब इसको हम ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। मैं रख रही हूँ, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। मैंने लिया एक कूटने वाला, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। पहले इन सब चीजों को हमने कूट कर तैयार कर लेना है। ये देखिए, इसको हमने कूट लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा दरदरा होगा। कूटने से ना इसका पूरा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा घंटा हो गया इसे रखे हुए, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना पानी निकला है। ये सारी जो है ना करेलों की कड़वाहट होती है, दो बार अच्छे से वॉश कर ले। देखिए, दो बार इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हल्के हाथों से हम निचोड़ लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। अब हम लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे। उसमें मैं डाल रही हूँ स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं वो डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें, उसे गर्म कर लें, लेकिन जो करेले हैं ना सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा मैं सारे करेले इसमें डाल दूंगी और गैस को हम कर देंगे हाई मीडियम। इसको अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई करना है। ये देखिए, ये हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इसे करने में हमारे 4 से 5 मिनट लगे हैं। ऐसे ना ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी बचे ऑयल में मैं डालने लगी हूँ 1 प्याज, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब इस प्याज को अपने भुनना है थोड़ा सा सुनहरा होने तक। ये देखिए, प्याज हमारी हो गई है। अब डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी 1 मिनट के लिए भून लें। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालने लगी हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डालने लगी हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा पानी। अच्छे से मिक्स करके मसालों को भून लें। देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। मैंने ली थी छोटे साइज की ऐसी प्याज, जिसको मैंने छील लिया था, ऐसे कट लगा लिया है जिससे कि मसाला अंदर तक जाए, और ये होंगी 12 से 13। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भून लें। देखिए, अब जो हमने मसाला तैयार किया था ना कूट के, वो डालना है इसमें। अच्छे से मिक्स कर देना है। अब डालेंगे पानी। मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ।
अच्छे से मिक्स करते हुए पहले एक उबाल आने देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला। हाफ टी स्पून मैंने ली थी कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर दें। अब इसमें हमने करेलों को भी डाल देना है। पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर दें हैं। फिर हम गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। हमने एक पैन में थोड़ा सा बेसन लिया है, इसको हमने भून लेना है बिना ऑयल के, बिना घी के, जिससे खिला खिला हो जाएगा, इसकी खुशबू आएगी। और एक कटोरी में निकाल कर रख लेना है। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखने से ही आपको लग रहा होगा बहुत अच्छे से करेले पक चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इसके साथ ही मैं 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। एकदम से हम ज्यादा बेसन एकदम से नहीं डालेंगे क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाएगा। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1 चम्मच बेसन और डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये करेले बनकर तैयार हैं। आप एक बार इस तरीके से करेले की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।